हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों आज का पाठ है सात। पाठ का नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी। बच्चों ये पाठ एक साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है। कंवर सिंह एक डाकिया है। इसमें साक्षात्कार करने के लिए एक पत्रकार जाती है और उनसे साक्षात्कार करती है और वो डाकिया के बारे में पूछती है कि डाकिये की जिंदगी कैसी होती है। सबसे पहले वो उनका नाम पूछती है, उसके बाद में कहाँ का है, कहाँ के कौन सी जगह है उसके बारे में बताया गया है पाठ में। ये जो घटना है, जो ये कंवर सिंह है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नीरवा गांव का निवासी है। पत्रकार पूछती है कि आप जो है आप कैसे डाक छाटते हैं, कितनी कैसे कठिनाई होती है, क्या क्या मुश्किल आती हैं, तो वो सारी बात बताता है कि डाक छाटने का काम बहुत बड़ा होता है क्योंकि डाक छाटते समय हर चीज़ डाक पर देखनी होती है, कहाँ किस पते पर किस जगह भेजनी है। और कुछ तो ऐसे इलाके होते हैं, दूर दराज के इलाके, जहाँ पर डाक को ले जाना ही बड़ा कठिन काम होता है। वो जो है पत्रकार कंवर सिंह से उसके परिवार के बारे में भी पूछती है। परिवार के बारे में वो बताता है, उसकी बेटियां हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की है क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत दुर्गम हैं। उसका बेटा होता है तो बेटा उसका मर जाता है, तो उनके बारे में बताता है। और कंवर सिंह बताता है कि वहाँ पर औरतों के लिए या सभी लोगों के लिए काम करना बहुत कठिन है। कभी कभी औरतें ऊंचाई पर घास काटते समय नीचे की खाई में भी गिर जाती हैं। इतनी कठिनता भरी जिंदगी होती है पहाड़ों की। तो ऐसी जगह पर डाक लेकर के दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ जब डाकिया गांव में, दूर दराज के इलाकों में जब जाता है, तो वहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं क्योंकि वहाँ किसी को अपना पार्सल का इंतजार होता है, किसी को चिट्ठी का इंतजार होता है, किसी को इंटरव्यू लेटर का इंतजार होता है, किसी को पेंशन का, बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो पेंशन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसको देख करके सबके चेहरे खिल जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि कोई देवदूत हमारे पास आया है। तो और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं इस पाठ में जो दी गई हैं, वो जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम होगी। सिर्फ बच्चों ये वीडियो देख करके ही उतना ही मत छोड़ देना, इस पाठ को कम से कम 3 या 4 बार रीडिंग जरूर करना। और यही पाठ नहीं, जितने भी पाठ हैं उनको जब भी वीडियो जाती है, वीडियो के बाद में 3-4 बार पाठ को रीडिंग जरूर करें। इससे क्या होता है, जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको आंसर ढूंढने में भी जल्दी रहती है क्योंकि स्पीड आपकी जब स्पीड ज़्यादा होती है तो आप उसके आंसर ढूंढने में आपको मदद मिल जाती है। धन्यवाद।